टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच शाइनिंग स्टार और राउडल के दरमियान। जाकिर हाफिज साहब भी हाँ इस टूर्नामेंट के लिए आए हुए हैं, हम शाइनिंग स्टार टीम की तरफ से उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। हाँ टॉस, क्वार्टर फाइनल मैच का टॉस होने जा रहा है जाकिर हाफिज साहब के मुबारक हाथों से, टॉस हो रहा है। टॉस टॉस हो चुका है और हमारे साथी अहमद मुंगस्कर भी यहाँ आए हुए हैं। इस मैच के लिए अंपायर अंपायरिंग का काम अंजाम देंगे मोहम्मद कासिम और दूसरा अंपायर है क्या नहीं कोई, शायद ताबिश जा रहे क्या, अगर ताबिश अंपायरिंग के लिए जा रहा है तो अपना हाथ खड़ा करे, ताबिश अगर अंपायरिंग के लिए जा रहा है तो अपना हाथ ऊंचा करे। इस मैच के लिए स्कोरर अभी अभी मुंबई से आए हुए हैं अतिक फकी। विन द टॉस, टॉस कौन जीता, राउडल या शाइनिंग स्टार, राउडल। हाँ राउडल, राउडल टीम के कैप्टन परवेज ने अपने हाथ को बुलंद करते हुए यहां पर हमें इशारा दिया है कि टॉस हम जीते हैं। राउडल विन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट, शाइनिंग स्टार टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। मैच 3-3 ओवर का होगा, इस मैच के लिए अंपायर है ताबिश और मोहम्मद कासिम और थर्ड अंपायर का काम अंजाम दे रहे इकबाल। शाइनिंग स्टार टीम की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन का इंतजार, मैच 3-3 ओवर का होगा। राउडल टीम की तरफ से पहला आउट लेकर परवेज, एक अच्छे ऑलराउंडर है राउडल की ओर से, आज उनकी टीम में ऑलवेज नहीं आए हुए है, एक अच्छे बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, शायद अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होते हैं तो ऑलवेज यहाँ इस ग्राउंड पर जरूर आएंगे। शाइनिंग स्टार टीम की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन के रूप में मुबशिर और हसन, इनफॉर्म बैट्समैन हसन और उनके साथ ही मुबशिर। 3-3 ओवर का होता हुआ मैच, पूरी तरह से फील्ड यहां पर फैली हुई है। यकीनन फारूक भाई मैंने इतिहास गवाह है कि बड़े मैच में क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में हर कोई टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी देता है। एक तो टॉस जीता राउडल ने फील्डिंग ली, ऊपर से डूबते सूरज के सामने क्या अंधेरे में वो चेस करेंगे ये भी उन्होंने सिलेक्ट किया है और जीतकर पहले फील्डिंग। मुझे लगता है कुछ उनका इश्यू है वो राउडल का, लेकिन मेरा अपना व्यू है कि ये फायदा होगा महाफल शानी स्टार के लिए यकीनन कि बड़ा मैच यहाँ 30-35 भी बनते हैं ना तो मैच फंसा सकती है महाफल, क्योंकि महाफल के पास तीनों गेंदबाज एकदम परफेक्ट, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज इलियास एकदम एक्यूरेट, सलमान की तरफ से 4 रन, यह खिलाड़ी है यार हसन, इसमें कुछ दम है यकीनन कुछ पावर है, भाग लेते ही 4, टोटल स्कोर 5 शॉट। खिलाड़ी कुछ दर्शा रहा है की तरफ से,
हालांकि टीम कभी बाहर नहीं आती माकरल की, लेकिन है कुछ अकेला फिर कुछ निरालापन हसन के बीच में से माकरल के लिए स्कोर पहुंचा 12-111। ऑफिसर के बाहर कट किया उसे, कट किया किया पॉइंट की जानिब, एक रन हुआ दूसरी के लिए भाग रहे और गेंदबाजी के बाहर चल फ्लैश, ये फ्लैश का जब लगता है ना तो घुमा के जाता है, रहता है फील्डर को समझ में नहीं आता कि क्या होगा, ये फ्लैश कट था पहली विकेट गिरने के बाद, सुल्तान भाई जानते हैं फ्लैश कट का चकमा था ये खिलाड़ी को और गेंद स्कोर के 15 पे। यह है हसन मुकादम एक पहचान। हसन आउट, छोटी सी विकेट ली लेकिन कैच अच्छा और हसन आउट, अच्छा शॉट था लेकिन कैच भी काफी अच्छी थी और उसको 15 एक आउट। पांच गेंद 15 रन, इसी को अगर मेंटेन करती है ना, अगर महाप्रल शाइनिंग स्टार इसी स्कोर को अगर मेंटेन करती है 5-15 तो स्कोर 45 के आसपास जाएगा और 45 की तरफ अगर जाता है तो राउंडर के लिए टफ होगा एकदम मुश्किल, लेकिन देखना है नए बल्लेबाज शहबाज खड़े रहना होगा विकेट पे। काट कर गेंद जा रही फाइनल की तरफ, अरबाज गेंद के नीचे फील्ड किया, एक रन हासिल हुआ, एक के साथ स्कोर पहुंचा 16 पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, स्कोरिंग 16 लॉस ऑफ वन विकेट। द बैट्समैन आउट होने वाले बैट्समैन हसन मुकादम 3 गेंदों पर 14 रन निकाले, छक्का 2 चौके और नाकाम होकर आउट हुए। हसन को चाहता के तीनों के तीनों ओवर बैटिंग करे लेकिन हर गेम पे तगड़ा शॉट खेलने की कोशिश और फंस गए एक बार, मैदान की जाने वहां कैच लिया गया, फिर भी अच्छा स्कोर है 16 रन पहला ओवर। अगर 12-12 के हिसाब से जाती है तो 40 होगा, सेम स्कोर से जाती है तो 48 होगा, चांस है यकीन चांस है मात्रन को। वही शहबाज असल में किसी खिलाड़ी को फर्क होना चाहिए महाप्रम के इसमें से, क्योंकि हर काम तो हसन नहीं चाहेगा। खिलाड़ी और स्लीव का भी डॉट पे पकड़े गए, पावर की कमी मैं तो 6 था शहबाज का लेकिन पावर कम और बड़ी का जाओ। यकीन खराब गेंद तो फिर पास पावर नहीं दिया शहबाज ने, पावर देते तो 6 था वो और यकीन दिक्कत में थोड़ी सी। बल्लेबाज की हालत है देखना है पर यस मोइन की अच्छी गेंद, अरबाज है ना बल्लेबाज, कुछ तो दिखाना पड़ेगा महापौर की तरफ से, यहाँ ठंडे बस्ते में गिर कर यहाँ सौदा करना पड़ता है बल्ले और गेंद के बीच में, खड़े खड़े क्रिकेट में होता जब सौदा करोगे खाना खाएगी शॉट मारने के बाद उसमें मजा रहता है। शायद खेलने की कोशिश ढीलापन यकीन ढीलापन पहले ओवर के इख्तिताम पे स्कोर का 16 और 3 गेंदों पर 3 ओवर के मैच में हसन याद करते होंगे मेरी
जहां स्कोर 48 की तरफ जा रहा था पहले और पाकिस्तान के बाद, वहां अब स्कोर 20-22 की तरफ जा रहा है, यानी एवरेज के हिसाब से अच्छी शुरुआत दी थी असम ने, यकीन अच्छी शुरुआत। चकमा देकर खिलाड़ी को एक रन 20 रन दी, आसान से 20 रन ना सीखिया दो के साथ स्कोर 118 पे। इस ओवर के 8 गेंद जाना बाकी, किसी न किसी खिलाड़ी का क्लिक होना पड़ता है क्रिकेट की भाषा में, लेकिन नींद की काफी अच्छी गेंदबाजी। एक बार पहले की जाने आसानी से एक रन, दूसरा रन भी आसानी से जा रहे बल्लेबाज, उस दो के साथ इसको अपेक्षा कौन थी, कौन थी परमिशन फ्रॉम वन टू गो इन सेकेंड ओवर। यकीन दो अच्छे शॉट के लिए क्रिकेट को छक्का चौका नहीं रहता, सिंगल डबल भी रहता है, अच्छे शॉट निकाले वन टू स्कोर इस गेम पर, अगर एक बड़ा शॉट लगता है उसको भी छोड़ेगा बल्लेबाज आउट, सब कुछ गेम बैटिंग के बल पर कट किया और बल्लेबाज आउट होकर पहले दिन में वापिस, इसको 16 और दूसरे में सिर्फ 4 रन आउट, इसको 20 लूस ऑफ टू विकेट। तीन विकेट गए दूसरे में, टोटल विकेट 4, पहला 16 रन, दूसरा 4 रन, तीन विकेट। अभी तक एक गेंद का भी सामना नहीं किया है, एक गेंद का शायद शुरू में किया, एक गेंद का यस, लेकिन उसको स्ट्राइक नहीं मिला। आजकल के सब लोग हीरो बनना चाहते है, अपसाइड बढ़ा कि उसको स्ट्राइक रोटेशन करे ना, अब छक्के मारे जाएंगे। आज की बल्लेबाज यकीन बल्लेबाज भी थे, यहाँ क्या होना चाहिए बल्लेबाज को, टर्न द विकेट फ्रंट फुट पे, स्कोर चाहिए, बॉलर बैक ड्रायल जगह खाली, पॉइंट के ऊपर जगह खाली, हर मैन जगह खाली, अच्छी गेंद संकट में शानी स्टार महापल, यकीन संकट में दो गेंदे दोनों डॉट। फिर क्वेश्चन देखो, स्कारलेट बाउंड्री के ऊपर एक, मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर एक, मिड विकेट बाउंड्री पर एक, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर एक, छाई फील्डिंग बाउंड्री के ऊपर, और आसान से दौड़ाई मेरे हिसाब से 4 रन बनना चाहिए था, दो कैच का दो ओवर प्रो का, बट बैट्समैनों की नजर नहीं, इसको पूछा 22 आसान सा कैच। हसन का विकेट गिरने के बाद एक मायूस प्रदर्शन, स्लो गेंद सेट के आसान लिखी जा रही, अंपायर का इशारा 6 100% 100 मैक्सिमम बिकॉज फॉर अलग रीजन, द बॉल क्रॉस द बॉर्डर 6 एंड द स्कोर इज 28 28
तलाश में ये खिलाड़ी मुनासिब सात दिनों की जरूरत है मैच को अगर बनाना है क्योंकि मात्रा के पास बॉलिंग है बाद लास्ट बॉल शॉट खेला है की तरफ एक रन आसानी से दूसरे विकेट की आसानी से दो रन आसानी से पूरे किए और तीसरा रन नाकाम जीतने के चाहिए 31। देखना है मैच का अंजाम क्या होगा। फारूक भाई 31 रन ना काफी नहीं, हसन ने पहले ओवर में 15 रन मारे थे, दो ओवर में और 15 आए, जहां 48 स्कोर चाहिए था 45-48 वहां 15-16 रन कम हुए। यकीनन महापुरुष शामिल स्टार संकट में दिख रहे हैं। सबसे पहले रावडल के जो दूसरा ओवर गया था जिस मुहीन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, उन्होंने अपने ओवर में 4 रन देकर 3 बहुत ही कीमती विकेट लिए, इसकी वजह से महापुरुष शाइनिंग स्टार टीम पूरी तरह से बैकफुट पे आई। और आखिरी ओवर में मुबशिर ने कुछ कोशिश की, लेकिन अरबाज जो कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, बहुत ही हर गेंद पर वेरिएशन कर रहे थे और पूरी तरह से कोई मौका नहीं दे रहे थे बैट्समैन के लिए, इसकी वजह से। लेकिन फिर भी मैं स्कोर जो है फाइटिंग स्कोर है, महापुरुष शाइनिंग स्टार में बहुत अच्छे अच्छे गेंदबाज है इलियास और सलमान के रूप में, फिर भी मैच एक बहुत ही बेहतरीन मैच होगा। 31 रन का टारगेट है कि फारूक यकीनन टारगेट इतना बड़ा नहीं न छोटा है न बड़ा, जिस हिसाब से ग्राउंड है प्लस मीडियम रेंज का टारगेट है ठीक ठाक, पर जो महाप्रल के अंदर बॉलिंग है इलियास खासकर लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, अगर ये पहला ओवर क्लिक करते हैं 31 अगर वो पहला ओवर लेफ्ट हैंडर क्लिक करते हैं इलियास सर और 2-4 रन 3-4 रन देखे कुछ विकेट निकालते हैं, दुनिया के क्रिकेट में एक कप्तान जो रहता है बड़ा कप्तान वो पहले अच्छे गेंदबाज को ओवर देता है ताकि वो 2-3 विकेट फंसा के कम स्कोर देकर के मैच को फंसा के रखे। अगर इलियास सर मैच को अच्छी ओवर जाकर फंसाए तो मुश्किल नहीं होगा राइडर को। क्रिकेट गेम में प्रेशर पर है, सबसे पहले बात ऐसी है कि पहली ओवर से अटैक करना होगा, अच्छी गेंद कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी और कोई मौका नहीं देना होगा वहां पर राउडल के दोनों राउडल टीम में भी अच्छे अच्छे बैट्समैन है, खासकर परवेज और दानिश अच्छे बैट्समैन है, देखिए। लेकिन मैच मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन मैच होगा, एक कांटेदार मैच होगा और पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी परवेज को क्योंकि एक सीनियर बैट्समैन है राउडल की ओर से। शाइनिंग स्टार ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 30 रन बनाए थे और जीतने के लिए 31 रनों का टारगेट है। राउडल की तरफ से सलाम बैट्समैन के रूप में परवेज और दानिश, शाइनिंग स्टार टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर इलियास, पूरी तरह से फील्ड फैली हुई यहां पर, कोई नजदीकी फील्डर नहीं और शमसुद्दीन पहली मतलब थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं। फाइनल लेग पर फुरकान, एक्स्ट्रा गोट पर शारिम, लॉन्ग ऑन पर हसन, मिड विकेट पर मुनीब, लॉन्ग ऑफ पर अरबाज, थर्ड पॉइंट पर सलमान और एक्स्ट्रा गोट पर शायद फैसल जा रहे हैं पहला ओवर लेकर 31 रनों का टारगेट नीचा करते हुए। ट्रैवल के सलाम बैट्समैन परवेज और तानिश, इलियास लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए हमारी ओर से दूर जाते हुए। ओवर की पहली गेंद पहले एंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए इलियास लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट खेला है लॉन्ग ऑन के लॉन्ग लेग के ऊपर से 4 रन के लिए 1 बाउंस के साथ
गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए। चार रन के साथ परवेज ने पहली गेंद से अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू किया है। शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, बैकफुट पे गए, जगह बनी और से पुल कर दिया लॉन्ग लेग के ऊपर। इलियास ओवर की दूसरी गेंद के साथ दिशाहीन गेंदबाजी, लेग स्टंप की काफी बार, जिसे अंपायर तानिश ने व्हाइट का इशारा, व्हाइट के सारे स्कोर पांच। इस मैच के लिए अंपायरिंग का काम अंजाम दे रहे कासम और ताबिश, स्कोरर है आतिक। इलियास लेफ्ट आर्म ओवर बिल की गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने बैट्समैन परवेज, बहुत ही जा रहा ना बैट्समैन है परवेज। ओवर की अगली गेंद अंपायर ताबिश ने व्हाइट का इशारा किया है, व्हाइट के सारे स्कोर स्कोर छह, जबकि इनिंग का पहला ओवर जारी। इलियास पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं गेंदबाजी कर रहे, पूरी तरह से प्रेशर वाले मैच में इलियास ओवर की अगली गेंद के साथ लेफ्ट आर्म और विकेट गेंदबाजी का तरफ फुल टॉस गेंद से खेला है। इसका लेकिन तरफ सत्तर गेंद फील होती वहां पर ट्वेंटी ट्वेंटी के साथ दोनों बैट्समैन ने दो रन पूरे किए, दो रन के सारे स्कोर। हाँ विकेट की तरफ बहुत लंबी दौड़ लगानी पड़ी, दो रन के सारे स्कोर आठ, जबकि इनिंग का पहला ओवर जारी। शाइनिंग स्टार ने पहले बैटिंग करते हुए तीन ओवर में तीस रन बनाए, जीतने के लिए इकतीस रन का टारगेट रखा है यहाँ पर राहुल टीम के सामने। बहुत ही मजबूत के साथ टारगेट का ताकुब करते हुए परवेज इलियास ओवर की अगली गेंद फील्डर बनाकर खेला है, उसे मिदाफ के क्षेत्र में जब तक गेंद फील्ड होगा तो बहुत लंबी दौड़ लगानी पड़ी वहां पर अरदास को, लेकिन नहीं दौड़ पाए दोनों बैट्समैन को, दो रन लेने से खराब थ्रो वहां पर, और थ्रो का भी मौका मिस फील्ड हुआ वहां पर। तीन रन बने, इस तीन रन के सहारे राउडल टीम का स्कोर ग्यारह, नेल्सन फिगर में पहुंचता हुआ स्कोर ग्यारह। ओवर की तीन गेंद हो चुकी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर स्कोर का पीछा करते हुए दोनों सलाम बैट्समैन परवेज और दानिश। इस ट्रैक पर पहली मरतबा इस मैच में दानिश इलियास फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए यहाँ पर फैसल बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। एक्स्ट्रा कवर पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर वहां पर गेंद को खेला है, उसके नीचे खुद बॉलर और एक कैच ड्रॉप हुआ, जब तक गेंद कैच ड्रॉप होने के बाद फील्ड को थ्रो होता दो रन पूरे, दो रन के सारे स्कोर स्कोर तेरह। एक मौका वहां पर बन सकता था लेकिन थोड़ा हार्ड था, मुश्किल कैच था, बहुत कोशिश की वहां पर इलियास ने, दो रन के सारे स्कोर तेरह, जबकि इनिंग का पहला ओवर जारी। हसन खुल मायूस नजर आ रहे हैं वहां पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खड़े हैं इलियास लेफ्ट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये उनके बैट्समैन के थाई पैड पर लगी हल्की सी अपील वहां पर रनआउट का खतरा, लेकिन बहुत ही तेजी के साथ दानिश एंड पर एक रन के सारे स्कोर चौदह स्कोर चौदह। ओवर की आखिरी गेंद के साथ इलियास लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए हमारी ओर से दूर जाते हुए शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, गेंद को फील कर दिया है उसका लेकर तरफ जाकर गेंद फील होती अच्छी फील्डिंग वहां पर सीधा थ्रो स्ट्राइक एंड पर और सिर्फ एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर शारीम या महत दोनों में से कोई एक, अच्छी फील्डिंग सीधा थ्रो और एक रन के सहारे राउडल टीम का स्कोर 15। बचे हुए दो ओवर में 16 रनों की जरूरत, राउडल टीम का स्कोर 15 जबकि दो ओवर में 16 रनों की जरूरत, 8 रन के रिक्वायरमेंट से खेलना होगा। और परवेज एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है, कई साल से क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी तरह से टॉस जीतकर उन्होंने पहले ही फील्डिंग की, यानी पूरी तरह से उन्हें अपने बैटिंग के ऊपर भरोसा है, एक चेस मास्टर की तरह। यहाँ पर शाइनिंग स्टार टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर सलमान, बहुत ही लंबा बॉलिंग रन अप
राइट आर्म पोअर विकेट गेंदबाजी करते हुए सामने बैट्समैन परवेज सलमान ने दोनों शीघ्र से खेला है मिडॉन की तरफ, अच्छी फील्डिंग हुआ पर जब तक तो गेंद फील्ड होती थ्रो होता बहुत ही तेजी के साथ दोनों बैट्समैन ने दो रन पूरे किए, दो रन के साथ स्कोर 17-17 विदाउट लॉस। शमसुद्दीन जो थर्ड मैन बाउंड्री पर अब बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके साइड में अभी तक तो कोई भी गेल नहीं है। ये शारिक नजर नहीं आ रहे, शारिक फील्ड में तब्दील करते हुए यहां पर 17-17 स्कोर 17 जिप्टी इनिंग का दूसरा ओवर जल्द से सलमान मिड ऑफ की पोजीशन पर यहां पर शमसुद्दीन फिर से बल्ले के सारे गेंद को खेला उसका लेने की तरफ अच्छी फील्डिंग हुआ पर जब तक गेंद फील्ड होती थ्रो बहुत ही तेजी के साथ दोनों बैट्समैन ने दो रन पूरे किए, अच्छी फील्डिंग सीधा थ्रो इस गेंद पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग हुआ पर शारिम द्वारा दो रन के सारे स्कोर 19-19 बहुत ही समझबूझ के साथ यहां पर परवेज बैटिंग कर रहे हैं। यहां बैठे तमाम शौकीन पूरी तरह से उनकी बैटिंग साथ दे रहे सलमान ओवर की अगली गेंद के साथ सामने बैट्समैन परवेज शॉर्ट ऑफ लेग गेंद पर बगैर गेंद के लाइन में आकर खेलना नाकाम हुए, गेंद उनके बल्ले के ऊपर से दो विकेट कीपर अभिषेक के दस्ताना में नॉट बॉल स्कोर रुका हुआ, स्कोर है 19 जीतने के लिए 12 रन की जरूरत। सलमान अपने ओवर की अगली गेंद के साथ दौड़ना शुरू किया और पिच बनाकर गेंद को खेला है लॉन्गन के ऊपर से उसके नीचे फील्डर ने और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद फिर रन के लिए बहुत ही बेहतरीन शॉट हल्की सी ओवर पिच थी करोड़ आए और पूरी तरह से गेंद को लॉफ किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद फिर रन के लिए और इसके बैट से निकलता हुआ पहला सिक्सर बस 6 रन के सारे स्कोर 25-25। धीरे धीरे राउडल सेमीफाइनल में पहुंचने की तैयारी में सलमान अपने ओवर की अगली गेंद के साथ शॉट अपने जगह बनाया उसे खेला है व्हाइटिश मिडॉन की तरफ अच्छी फील्डिंग वहां पर हसन द्वारा नहीं रोक पाए दोनों बैट्समैन को एक रन लेने से इस एक रन के सारे स्कोर 26। स्ट्राइक पर दानिश नॉन स्ट्राइक पर परवेज 4 गेंद हो चुकी है 5 1-2 स्कोर 26-26। सलमान दौड़ना शुरू किया बहुत ही बेहतरीन शॉट बॉलर्स के ऊपर से 6 रन के लिए और इस तरह से राहुल जी ने मैच 10 विकेट से एक तरफा अंदाज में जीत लिया है। जीत यकीनन मैच वन साइडेड मैच था और क्वालिफाई कर चुकी राहुल पहला क्वार्टर फाइनल जीत के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी राहुल देखना है कैमरामैन इसी के साथ आज के पहले दिन का खेल इख्तिताम पे पहुंचा है और पहले दिन के खेल को